उस दिन रात में हम सब सोए हुए थे ना, तो उसमें से कोई भी अपराधी पुलिस का गिरफ्त में नहीं है। कब का घटना है सर? 2020 का घटना है। 2020 से आप कहाँ, 2020 से आप कहाँ थे सर? 2020 से मैं सीतामढ़ी एसटीपीओ रमाकांत उपाध्याय जी यहाँ कम से कम 200 दिन आया हूँ, लेकिन किसी ने मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। हेलो, नमस्कार, वेलकम, आपका एसएस नेशनल में स्वागत है। मैं कमर अफजल, आप लोगों का एसएस नेशनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग डुमरा में हैं, जो एसपी ऑफिस के जस्ट बगल में है। यहाँ पर एक परिवार बैठा हुआ है, जिनके बेटी के साथ 2 साल पूर्व सामूहिक रेप करके हत्या कर दिया गया था। और उन अपराधी को, उसमें से केवल एक अपराधी को जेल हुआ, उसके बाद वो जेल से आने के बाद वो उनके दूसरे बेटी के भी साथ भी छेड़छाड़ और रेप की घटना करने के लिए, अंजाम देने के लिए वो तैयार है। हम उन लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ, अनशन पर एक सप्ताह से बैठे हुए हैं, आखिर परेशानी इनकी क्या है? सर, हमारे लड़की के जोड़े दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया है। मैं 3 साल से लगभग भटक दौड़ भाग रहा हूँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। और उधर गांव में जाते हैं तो अपराधी के परिवार लोग, अपराधी लोग बराबर हम लोगों को धमकी देता है कि केस मैनेज कर लो, नहीं तो जो तुम पहले का लड़की के जोड़े हुआ है वो इसको भी करेंगे। ये पुनौरा थाना कांड संख्या 5520 संजना हत्याकांड से रिलेटेड है। इसमें ये सब आपके परिवार की लड़की है, इन्हीं लोग को धमकी दिया जाता है। बाबू, आप लोग को क्या धमकी दिया जाता है? जी। कौन धमकी देता है? लड्डू लाल पप्पू है, सब उसका भाई सब देता है, सब आपको धमकी देता है, आपके साथ भी छेड़छाड़ की घटना करता है। जी। तो इस तरह का हमारे पुनौरा थाना में चल रहा है, जिसके वजह से ये लोग परेशान होकर एक सप्ताह से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और एसपी साहब से, डीएम साहब से यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाते हैं। आखिर हम माता जी से जानना चाहेंगे कि ये मामला जो उनके साथ हो रहा है, उनको किस प्रकार की दिक्कत हो रही है कि आपके लड़की दूसरी लड़की के भी साथ भी छेड़छाड़ होता है? हाँ, हो ही है। होता है? हाँ। तो आप लोग थाना पे जाते हैं? थाना पे गए थे इस मामले को लेकर? यही मामले के लिए लेकर ना गए लिए नहीं गए हैं ना। तो इस मामले को लेकर आपने उन लोगों के विरुद्ध में नया कोई केस किए हैं उन लोगों के पास? सर, केस भी करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। एक रोज हमारी लड़की अन्नू जो है जी, ये रात में सोई हुई थी, इसको की गवाही में है, इसको उठाने के लिए लोग रात में घर का टट्टी बट्टी तोड़ दिया। उस समय 1 बजे रात में हम लोग पुलिस को बुलाए थे जी। पुलिस बोला कि कल आके आप FIR करिए। हम FIR किए, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। सब फिर उसको बेल मिल गया, फिर बेल दे दिया पुलिस वाला। तो मतलब दूसरे लड़की के साथ टट्टी तोड़ के साथ भी फिर ये लोग छेड़छाड़ करता है? हाँ, करता है। क्या अनु, ये बात सही है? जी। क्या किया था उस दिन, हुआ क्या था उस दिन? रात में हम सब सोए हुए थे ना, तो टट्टी तोड़ के सब आए थे, लेकिन देखे नहीं कौन था। अच्छा, तो ये मामला है कि ये इस देश में कानून का राज है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, लेकिन इस तरह का मामला होगा तो फिर ये कैसे आप बेटी पढ़ेगी और कैसे बचेगी? तो जिला के अधिकारी का ऑफिस है, कार्यालय है, समाहरणालय वहाँ पर है, और हमारे साथ अभी यादव जी हैं, जिनकी परेशानी इतनी है कि बताना बहुत मुश्किल है। करीब इनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जो तमाम दावे करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी दावों का पोल खोलता हुआ इनका ये पूरा हुलिया है। ये यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यही जानने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले यादव जी, ये बताइए आप धरना पे क्यों बैठे हैं? सर, हमारे लड़की के जोड़े सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। कब? 2020 में, 11 अप्रैल 2020 को जी, घर से अगवा करके उसको किडनैप रेप का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है। और सीतामढ़ी प्रशासन कह रही है कि जमीनी मैटर है। अच्छा, मतलब आपने केस किया हुआ है? जी, मैं केस किया हूँ, उसमें FIR हुआ है, 4 गो के नामजद अभियुक्त बनाए हैं, उसमें से कोई भी अपराधी पुलिस का गिरफ्त में नहीं है। कब का घटना है सर? 2020 का घटना है। 2020 से आप कहाँ, 2020 से आप कहाँ थे सर? 2020 से मैं सीतामढ़ी एसटीपीओ रमाकांत उपाध्याय जी यहाँ कम से कम 200 दिन आया हूँ, लेकिन किसी ने मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। मैं 10 दिन से धरना स्थल पर बैठा हूँ, भूखे पानी पिया हूँ, जिंदा रहने के लिए शरबत पिया हूँ, दूध पिया हूँ, अन्न का एक दाना नहीं है, लेकिन सीतामढ़ी प्रशासन मेरा सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कहती है कि नाटक कर रहा है। मतलब यहाँ पर आपके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, आपके बेटी, इनके बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, और सीतामढ़ी प्रशासन इनको क्या कहती है वो जानने का कोशिश हम, प्रशासन के द्वारा आपको कहा क्या जाता है? प्रशासन के द्वारा हमको कहा जाता है तू नाटक कर रहा है, नाटक नहीं करो तो सब नाटक उतार देंगे।
मतलब आपको धमकी दिया जाता है? धमकी दिया जाता है। कौन से अफसर के द्वारा? अब अफसर तो सब अफसर जितना भी आज तक मिला सब बस अल्ली टल्ली मारते गया, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। और जो ये अपराधी लोग हैं ना, इसका परिवार अगर मैं केस मैनेज करने के लिए हमको धमकी देता है, अगर केस मैनेज नहीं करता हूँ तो हमारे जो दूसरी लड़की है उसको भी ये लोग उठा के वही हाल करेगा। वो कहता है सामने से, तू केस नहीं मैनेज करेगा तो तेरा पूरा परिवार के खत्म करेंगे और वही हाल करेंगे जो तेरा पहली लड़की के किया हूँ। अब सीतामढ़ी एसपी साहब से मिले? मैं सीतामढ़ी एसपी साहब से 6 बार मिला हूँ, लेकिन सीतामढ़ी एसपी साहब किसी गरीब आदमी को सुनने वाले नहीं है। पता नहीं आवेदन देते हैं आप? आवेदन देकर मिला हूँ, आवेदन मेरे पास है, चलिए मैं दिखाता हूँ। क्या कहते हैं वो? कहते कभी कहते हैं एसडीपीओ में जाओ, कभी कहते हैं, कभी पूछते हैं कि किसने किया, कभी कहता है कि बस इतना कह करके रह जाते हैं। ये तो जांच करने का उनका विषय है, ये एसपी साहब का विषय है, थाना अध्यक्ष का विषय है जांच करने का कि किसने किया है, कि ये जो जिसके साथ विक्टिम है वो बताएंगे। सर इसमें कोई जांच नहीं, आप मेरे दरोगा जी के लिखा हुआ डायरी देखिए, उस डायरी में लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। क्या एक लड़का एक लड़की को दुष्कर्म कर सकता है? जिस लड़की का हाइट 5 फीट 5 इंची हो, जिसका वजन लगभग 47 किलो हो, एक लड़का उसको रेप कर देगा? जी ने सामूहिक दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उसका रिपोर्ट देखिए। अच्छा एफआईआर में आपने कितने लोगों का नाम दिया? एफआईआर में मैंने 4 लोगों को नामजद किया और 5 को अज्ञात किया, जिसमें पुलिस एक अज्ञात को मोबाइल के लोकेशन से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है नहीं पकड़ा है। बादी लोग के जो अपराधी लोग हैं उन लोगों के परिवार का कहना है कि लोग अपने लड़की के अपने हत्या करके लोग के फंसाना चाह रहा है। नामजद लोगों में से किसी की गिरफ्तारी किसी हुई की नहीं कि नामजद लोगों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और नामजद में से होकर गिरफ्तार करके दरोगा जी लिख दिया कि वरीय पदाधिकारी के माध्यम से अनुसंधान जारी है। मैंने एसडीपीओ में 200 दिन चक्कर लगाया, फिर जाके 4ों के नाम पर केस शुरू हुआ। उसमें से हमको बोला गया कि तू अपराधी का लोकेशन दो तो मैं पकड़ूंगा। उसके बाद मैं लोकेशन दिया तो होकर पकड़ा, उसके बाद 1 साल के बाद उसको बेल हुआ है, बेल होकर बेल तोड़ा के फिरार है। अच्छा प्रशासन आप ही को बोलती है कि अपराधी का लोकेशन देने के लिए? एसपी साहब हमको बोले हैं कि तू लोकेशन दो, एसडीपीओ साहब बोलते हैं लोकेशन दो, थाना वाला बोलता है लोकेशन दो, किस किस का नाम मैं बताऊं? ये जो आप एक दर्द की दास्तां सुन रहे हैं, एक ऐसे पिता के द्वारा सुन रहे हैं जिनके बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और तब बिहार के सुशासन राज्य जो अभी चल रहे हैं फिलहाल 2005 से बिहार में सुशासन व्यवस्था ऐसा मैं नहीं बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं, और बिहार के इस सुशासित मुख्यमंत्री के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचार है, जो अपराधी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, आपके साथ सुशासन राज्य में क्या सब हुआ है बताइए आप? कुछ नहीं, हमको सिर्फ प्रशासन की तरफ से डराया धमकाया गया है और कुछ नहीं। अपने बेटी के हत्या में अपने फंसेगा, अपने बेटी के हत्या में अपने फंसेगा, इतना ही कह के हमको टाला गया है। अगर हाँ मैं हत्यारा हूँ तो हमको फंसा के देखिए ना, सबूत तो दीजिए मैं हत्यारा हूँ, था मैं सबूत देता हूँ। हमारे लड़की का जो दुष्कर्म हुआ है, एगो लड़का एक लड़की को रेप कर सकता है सर? नहीं कर सकता है नहीं। अच्छा ये बताइए आप पिछले कितने दिन से धरना पे यहाँ बैठे हैं? मैं 10 दिन से यहाँ धरना पर बैठा हूँ, पिछले शुक्रवार के 10 बजे बैठा हूँ, अभी तक मेरा कोई सूद लेने वाला नहीं है। कोई बड़े पदाधिकारी आपसे मिला क्या? किसी ने नहीं, डुमरा थाना जितना डराया है, जितना समझाया उससे ज्यादा डराया है। तो चल जाओ यहाँ से, ना तो तुम लोगों के ऊपर केस हो जाएगा। बच्चा अभियान बचाओ वाला जो संस्था के लोग हैं ना, वो आकर के मेरा अनशन तोड़वाए हैं, हमको जूस पिलाए हैं, इसके वजह से मैं इतना बोल रहा हूँ। और मेरा केस अगर सर सच्चा है, हम अपना बाप का बेटा है, तो केस जाएगा दिल्ली। मैं शासन प्रशासन के डराने से डरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं डर रहा था तो गांव समाज के अंदर मेरा केस खत्म हो गया रहता। आपका जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा आपके कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है? जनप्रतिनिधि का बात नहीं है यहाँ, गरीब और अमीर का बात है, कमजोर और मजबूत लोग का बात है, यहाँ जाति पार्टी पॉलिसी का बात नहीं है। देश में वर्सेस अमीरी की बात है जी, देश में कानून का राज है, आप कानून की मदद नहीं ले पा रहे हैं क्या? सर कानून का राज तो है, लेकिन मजबूत आदमी इस पर शासन करता है। मतलब कानून अमीरों के बाप की जागीर है, अमीर जैसा चाहते हैं कानून को उसी हिसाब से काम करवाते हैं। हाँ सर वैसा ही करवाता है, सत्य है, ध्रुव सत्य है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। आपके बेटी का जब दुष्कर्म हुआ तो उसका मेडिकल रिपोर्ट बना था जिला प्रशासन के, जिला मेडिकल के द्वारा? जी बना था, है आज भी है। उसमें दुष्कर्म ट्रू घोषित किया गया? एकदम ट्रू घोषित किया गया है, मेरे वकील साहब जैसे मान रहे उसमें सामूहिक दुष्कर्म है। तो फिर जमीनी विवाद कौन बता रहे हैं? जमीन अभी एसपी साहब बोले हैं इनको बचपन बचाओ अभियान वाले के साथ अभी उनका बात हुई है, वो अभी बोले हैं कि जमीनी मैटर है। अच्छा हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि जैसे कि हम लोगों ने सुना है
कि आप जो है अपने घर से पूरा ठान के निकले हैं कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक आप बाल दाढ़ी भी नहीं कटाएंगे। एकदम, मैं तो जिस दिन हमारे लड़की की हत्या हुआ ना, जिस दिन उसका तिराती था, लोग नौ केस कराया, मैं उस दिन ही कसम खाया हूँ जब तक हमारे लड़की के इंसाफ नहीं मिलेगा मैं दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा। अगर मेरा केस सच्चा है, भारत के संविधान पर हमको भरोसा है, हमको इंसाफ मिलेगा, सबको मिलता है, हमको नहीं मिलेगा। देख रहे हैं ये कोई रोड का भिखारी नहीं है और ना ही कोई बड़े पूंजीपति वाले लोग हैं, ये एक वो पिता है जो अपने ही बच्ची के दुष्कर्म के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए, इनके चेहरे का बाल देखिए, दाढ़ी देखिए जो बढ़ के इतनी लंबी हो गई है, लेकिन ऐसा कहना है इनका कि स्थानीय जिला प्रशासन के तरफ से कोई आश्वासन इनको अभी तक नहीं दिया गया है जिससे इनके बच्चे को न्याय मिल सके। अच्छा ये बताइए, वो बच्ची अभी जीवित है या जीवित? घटना स्थल पर ही मुर्दा पाई गई थी, उसको गला में फंदा लगा हुआ था, पेड़ पर काया गया था, उसका पैंट के पैंट से शराब और खून बह रहा था, जो कि दरोगा जी डायरी में भी लिखा है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अपराधी बेखौफ है जी। बिहार में सरकार बदली है 3-4 महीना पहले, और सरकार बदलने के बाद इस तरह के तमाम दावे वादे किए गए कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की अब खैर नहीं, और उसके बाद एक बेटी का पिता उस देश में, जिस देश में बेटी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिस देश का प्रधानमंत्री हर भाषण में एक बार कम से कम ये जरूर बोलता है कि महिला और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना हमारा प्राइमरी नीति, पहली नीति में है, उस देश में एक बेटी की हत्या हो जाती है दुष्कर्म के बाद, और उसका पिता जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने इस तरह धरना प्रदर्शन करता है। इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग किस तरह देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम उस बेटी के बदनसीब पिता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या क्या इस पूरे प्रकरण में हुआ था। सर, इस प्रकरण में जितना यहाँ के स्टाफ लोग है ना, लगभग सब हमको देख रहा है 3 साल से भटकते हुए। इसमें बहुत ऐसा अधिकारी लोग है जो हमको पहचान रहा है, चिन्ह रहा है, पूछिए, मैं भटक रहा हूँ दिन रात, कोई सुनने वाला नहीं है मेरा। अच्छा, वो कहाँ है वो जिला अधिकारी के लोग, जो आपके बच्चा बचाओ, बचपन बचाओ वाले अधिकारी लोग कहाँ है जिनसे हम बात करना चाहेंगे? अभी तो यही थे, वो उधर खड़ा है, देखिए उधर एक मैडम जी है, एक और लड़का कोई था। वो मैडम जी इधर आइए था, यही लोग जाके मेरा अनशन तोड़वाया है। इधर आइए हो, आइए ना इधर, नहीं सर हमको कहाँ बोले जाने के लिए, बोलते थे मैं चल गया रहा था। चलिए ठीक, आपको दिक्कत क्या? चलिए जी, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम कीर्ति हुआ, हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं बचपन बचाओ में। अच्छा, तो ये पीड़ित आदमी जो है पिछले 7 दिन से धरना पे बैठे हैं, ऐसा बताया जा रहा है उनके जरिए है कि उनके बच्चे का जो है सामूहिक दुष्कर्म होता है। हाँ। और पिछले 2 साल से एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं होता और ये दर दर की ठोकरें खा रही है, तो इस चीज को कैसे देखा? हाँ, बिल्कुल, ये अभी आज हम लोग को भास्कर न्यूज में हमने देखा कि वो निकला हुआ था दैनिक भास्कर में, फिर हम लोग जैसे ही संज्ञान में हमारे ये आया, चूंकि ये कभी आवेदन पहले नहीं दिए थे हम लोग को, और जैसे ही हम लोग के पास ये संज्ञान में आया है, हम लोग तुरंत यहाँ पे अम्बेडकर स्थल पर पहुँचे हैं, बात को जाने हैं कि क्या है मुद्दा। फिर ये पता चला है कि 2020 में इनकी एक बेटी के साथ इस तरह का मामला हुआ था, तो हम लोगों ने वो सारा भी तो पता चला, इन्होंने बताया कि वो सारा जो है वो बेल, एंटीसिपेटरी बेल लेके अभियुक्त जो है वो बाहर है, और उसी में से कुछ अभियुक्त के द्वारा पुनः इनको डरा धमका के केस सुलह करने का और इनकी दूसरी बेटी को भी उठा लेने का मामला आया है। तो हम लोग फिर एसपी सर से मिले हैं, अभी एसपी सर का कहना है कि जो भी नामजद थे आईओ जो उनका किए थे, उसमें अभी एक जो है वो जेल में ही है और एक को बेल मिल गया है, तो ये अभी प्रोसेस देखना है कि मे बी हम लोग अब कोर्ट से, चूंकि हाई कोर्ट से बेल मिला है उसे, तो यहाँ कोर्ट से तो फिर उसमें हम लोग अपील कर नहीं सकते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ अपील करते हैं। अच्छा, और पीड़ित पिता जो है उनका कहना है कि दुष्कर्म का मामला है और एसपी साहब आपको जमीनी विवाद बता रहे, कितनी सच्चाई है? नहीं, एसपी सर का ये कहना नहीं था कि जमीनी विवाद है, इन्होंने कुछ और जो नाम दिया है उसके बारे में सर का कहना है कि वो जमीनी विवाद आपस में इन लोग को, चूँकि दयाद हैं वो लोग, तो सर का कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और जो 2020 में जो कांड हुआ था उसमें लोग अभी एक जो है वो ऑलरेडी
मतलब सजा में है, उनको बेल नहीं मिला है। और एक जो बाहर है उसका भी शायद परसों या कल कुर्की जब्ती हुआ है, फिर से सर का यही कहना हुआ है। बाकी चूंकि अभी इन्होंने हमें फिर एक आवेदन हमने मांगा है इनसे, जो जो है ये बच्ची के पिता हैं, चूंकि उनका कहना हो रहा है कि उनकी दूसरी बेटी के साथ भी धमकी दिया जा रहा है और उठा लेने का धमकी दे रहा है कि केस को उठाओ नहीं तो बेटी को उठा ले। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरह के संगीन मामले में अगर प्रशासन इतना सुस्ती दिखाएगी तो इस तरह की घटना और हमारे समाज में बढ़ेगी? हाँ, ये बिल्कुल है। ये क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉक्सो का मामला था और इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मैम, इस तरह के ट्रू रेप केस में अपराधी को बेल मिलती है क्या? नहीं। तो फिर इसमें अपराधी इस केस में पॉक्सो एक्ट नहीं लगा था क्या? नहीं, पॉक्सो के तहत है ये। हाँ, मैंने केस का वो पढ़ा है, फाइल तो हुआ है पॉक्सो के तहत। और ये मुझे खुद भी लग रहा है कि पॉक्सो में बेल कैसे मिल गया, हाईकोर्ट से बेल कैसे मिला, ये एक समझने का बात है। तो कहीं ना कहीं सुपरविजन में कोई खामियां रही होगी। बिल्कुल, सुपरविजन में कहीं ना कहीं खामियां रही और कहीं ना कहीं कोर्ट में भी जो केस प्रोसीड इनके द्वारा जो वकील को करवाया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो हकीकत है उस पर कार्रवाई करेगा और हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है राज्य समन्वयक, उनको हम लोग बना के लेटर यहाँ से भेज रहे हैं सारा चीज़। और हम लोग एसपी सर को भी एक आज मेल के द्वारा, राज्य समन्वयक के द्वारा मेल यहाँ किया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं, दिलवाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम लोग की तरफ से तो पूरा आश्वासन है कि जो अगर हकीकत है तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जी बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अभी आपने देखा किस तरह समाहरणालय के आगे एक पीड़ित परिवार ने धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है 8-9 दिन से चला रखा है। उनका आरोप है कि उनके लड़की का 2020 में उसके साथ मतलब दुष्कर्म करके और उसको हत्या करके और सामने रख दिया था, और उसी मामले के जांच के लिए उनके पिता और परिवार के बाकी लोग 7-8 दिन से धरना पे यहाँ पर बैठे थे। आज उनको बचपन बचाओ अभियान के महिला जो अध्यक्ष है जिला के, उन्होंने जूस पिला करके उनका अनशन तोड़ा है। और भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।